ऐसी बनाया गया है गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में, किस तरीके की तैयारी है और क्या तैयारी कर रहे हैं? तो ये जो मेरी तैयारी है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देखते हुए नहीं है। मैं 6 साल से वहाँ के राजनीतिक जीवन को जी रहा हूँ और मैं 6 साल पहले मैंने ये घोषणा करी थी कि हमको गोरखपुर सदर विधानसभा से चुनाव लड़ना है, और मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने कार्यों को एक शिद्दत के साथ, ईमानदारी और दमदारी के साथ, लोगों के पक्ष में लोगों की पीड़ा को समझते हुए उनके समाधान के लिए मैंने लगातार काम किया है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सीट तो 1 हफ्ते पहले क्लियर हुआ है और हम 6 साल पहले चुनाव के लिए अपनी घोषणा कर दिए थे कि हमको 2022 में चुनाव लड़ना है, और हम जनता के बीच में लगातार डोर टू डोर घूमते रहे, लोगों की पीड़ा को समझते रहे, उनको जहाँ तक मेरी ताकत थी वहाँ तक हम उन लोगों के साथ खड़ा रहे, जिससे कि जनता का भरपूर प्यार हमको मिल रहा है। आप इससे पहले भी कोई चुनाव लड़े? नहीं, मैं इसके पहले मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन चुनाव हमने बहुत देखे, बहुत लोगों को लड़ते देखा, बहुत लोगों को हारते और जीतते भी देखा, लेकिन हमारे सेहत पे उसका कोई असर नहीं है। चुनाव हम किसी भी पुराने दिग्गज से कम तरीके से मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरा कहना है। आप गोरखपुर से कैंडिडेट बनाए गए हैं सीएम के अगेंस्ट, योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट, लेकिन वो कई बार के सांसद रह चुके हैं, वहाँ भी कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक एक चुनाव किस तरीके से सामना? आपने जब कहा कि कई बार के सांसद रहे हैं, कई बार से चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार है, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आपने हमारे मन की बात कह दी है। गोरखपुर में भाजपा का नगर निगम सरकार है, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आपने हमारे मन की बात कह दी है। गोरखपुर में भाजपा का नगर निगम, गोरखपुर में भाजपा का विधायक, गोरखपुर में भाजपा का सांसद, गोरखपुर में इनकी पूरी शासन प्रशासन, और इसके पहले केंद्र में सरकार, उसके बाद प्रदेश में सरकार, अब क्या ये अमेरिका में सरकार बना करके गोरखपुर का विकास करना चाहते हैं? आप 4 लेन को ये लोग कहते हैं विकास हुआ विकास हुआ, आप 4 लेन से उतर करके सीधे अपने घर में नहीं जाएंगे, आप गलियों मोहल्लों से होकर के जाएंगे, और मैं ये चैलेंज करता हूँ आज अपने पार्टी कार्यालय से, ये चैलेंज करता हूँ, आप लोग गोरखपुर आइए और 4 लेन की बात मत करिए, लेकिन अगर मोहल्लों में जाइए, अगर आप सही सलामत मोहल्ले में घूम करके आ गए तो मैं अपनी बात को वापस ले लूँगा। मोहल्लों की गलियाँ, मोहल्लों की सड़कें बहुत बुरी हालत में है।